नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं वेदांगा आईएएस इंस्टीट्यूट पर। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन अफोर्डेबल बैच आईएएस यूपीएससी 2024 प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का सबसे अफोर्डेबल सबसे बेस्ट बैच हम आपके लिए लाए हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बनाएंगे सिविल सर्वेंट और एक अफोर्डेबल फी में हम आपको सिविल सर्वेंट बनाएंगे। दिल्ली के अगर बेहतरीन फैकल्टी की बात करें, हम सारी बेहतरीन फैकल्टीज दिल्ली के एसोसिएट हुए हैं आपका सिलेक्शन कराने के लिए। हम फैकल्टीज अपना 100% देने के लिए तैयार है। बस आपका 100% अगर हमारे साथ मैच हो जाता है तो हम आपको निश्चित तौर पर सिविल सर्वेंट बना पाएंगे। और इस बैच की अगर बात करें तो सबसे अफोर्डेबल सबसे कम फी में है। प्लस अगर आप दूसरे एड टेक प्लेटफॉर्म का देखें तो आप जिससे पढ़ रहे हैं वो आपके डाउट कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। डाउट सॉल्विंग के टीचर्स अलग होते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम वन टू वन आपको इंटरेक्शन देंगे, वन टू वन गाइडेंस देंगे। भले ही ये ऑनलाइन बैच है, आप हमारे सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं जो लक्ष्मी नगर पर स्थित है। लक्ष्मी नगर दिल्ली में हमारा सेंटर है। आपको लगता है कोई भी आपका डाउट है तो आप ये ना सोचिएगा कि हमने ऑनलाइन फी दी है तो हम हमारे डाउट का क्या होगा। आप हमारे सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं, हमारी फैकल्टीज से मिल सकते हैं। हमारी फैकल्टीज 24/7 आपके डाउट के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि ये एक लक्ष्य बैच है, एक नॉर्मल बैच नहीं है, ये एक लक्ष्य बैच है। हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन आप लोगों से चाहते हैं। अगर 1000 सीट्स हैं तो हम चाहते हैं 700-800 सिलेक्शन हमारे हो। अगर पिछले एग्जाम्स की बात करें तो 100+ स्टूडेंट्स मेरे खुद के हैं जिनका मैंने पर्सनली इंटरव्यू लिया था, आज वो ऑफिसर्स हैं। और हर एक फैकल्टीज ने सिलेक्शन दिया है। वेदांगा इंस्टीट्यूट पर अभी तक हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी में, जो जेन्यून सिलेक्शन है। हमारे सिलेक्शन सारे जेन्यून सिलेक्शन है। हमारे ऑफिसर सारे जितने भी हमारे थ्रू बने हैं, हमारी फैकल्टीज हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू बने हैं, सभी जेन्यून लोग हैं। और उनका भी इंटरव्यू धीरे धीरे हम आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा। अगर इस बैच की बात करें तो इस बैच को आप तुरंत एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की लिंक जो है एक अफोर्डेबल फी है और रजिस्ट्रेशन लिंक हमने ओपन कर दी है अपने ऐप वेदांगा आईएएस पर। डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे, अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेदांगा आईएएस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी और आप बैच को एनरोल कर सकते हैं, आज ही से पढ़ सकते हैं। 5 मई से हमारा बैच आ रहा है ऑनलाइन बैच, लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक हमने ओपन कर दी है ताकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम इसी फी में फ्री स्टडी मटेरियल आपके घर तक डिलीवर करा सकें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम फ्री हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल जो है आपको लॉन्च करेंगे उसी फी में। कोई एक्स्ट्रा फी आपको नहीं देनी है। 100+ स्टूडेंट हमारे, जो 100 स्टूडेंट्स हैं यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो काफी सालों से हमारे वीडियोज देखते हैं, हमारे साथ एसोसिएट है, उनके लिए हम ये क्या कर रहे हैं कि जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मिलेगा। बाकी की डिटेल्स समीर सर बताएंगे आपको, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा समीर सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सुधांशु सर। लोग एक ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं। इस ऑनलाइन बैच का मेन एम आपका है कि जो बच्चे दूर दराज क्षेत्र से हैं और जो दिल्ली नहीं आ पाते हैं या किसी कारणवश फीस अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, तो एक सस्ते फीस में आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा और जो दूरी की समस्या है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये जो आपका कोर्स रहेगा ये लगभग 11-12 महीने का रहेगा। बाकी डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका 11-12 महीने का टोटल कोर्स आपका रहेगा, जिसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2-3 घंटे की क्लास आपकी रहेगी। क्लासेज रिकॉर्डेड भी रहेगी, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन क्लासेज आपका रहेगा। अगर किसी कारणवश आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। इसकी जो टोटल फीस रहेगी वो 9999 रखा गया है, 9999 अफोर्डेबल फीस है। और ये आपका एक तरफ से देखा जाए कि एक शुरुआती दौर का ये फीस रखा गया है और इसमें सारा स्टडी मटेरियल जो रहेगा शुरुआत के 100 बच्चों के लिए फ्री रहेगा, उनको घर पे डिलीवरी करवाया जाएगा। और फीस की कीमत लगभग मार्केट में आप देखिएगा तो 5000 के आसपास होती है। तो ये आपका जो स्टडी मटेरियल की कीमत है लगभग 5000 के आसपास होती है, वो आपको फ्री मिलेगा। कोर्स 5 मई से लॉन्च हो रहा है, ये बात आपको देखना है। जहां तक मेरा कंसर्न है, मैं आपको पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ाऊंगा। पॉलिटी किसी भी देश का नींव है और किसी भी देश को आप समझना है तो बिना राज व्यवस्था के, बिना पॉलिटिकल सिस्टम के आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो पॉलिटी के बिना आप इस पूरे सब्जेक्ट को, पूरा जो आपका सिस्टम है उसको नहीं समझ सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, और एसए का बेस आपका यहां से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इथिक्स में भी बहुत सारे जो आपके कंसेप्ट हैं वो पॉलिटी से जुड़े हुए हैं,
तो वो पढ़ा जाएगा। और ये जो कोर्स आपका है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा एनरोल करवाइए, 100% गारंटीड आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको 24/7 फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, टीचर्स अवेलेबल रहेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन में भी आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे संदीप सर आपको गाइड करेंगे। नमस्कार, सभी को वेलकम। और बहुत कुछ आप लोगों ने अभी तक सुना। हमारी इंस्टीट्यूट जो है वेदांगा सिविल सर्विसेज पूरी टीम के साथ ऑनलाइन बैच को लॉन्च कर रही है और बहुत ही किफ़ायती दौर किफ़ायती रेट पर है ना, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप बकायदा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि सर इतनी सारी ऑनलाइन बैचेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहे हैं, तो आखिर वेदांगा ही क्यों? एक प्रश्न उठता है कि आखिर आप मेरे साथ ही क्यों जुड़े? तो इसमें एक बहुत गोल गोल घुमा करके उत्तर नहीं दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट 15 महीना 18 महीना या 20 महीने से पहले कोर्स कंप्लीट करा रही है। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं हम आपकी कोर्स को 11-12 मंथ में करा देंगे, इस बात को आप जान लें। दूसरी सबसे बड़ी बात वह यह है कि हमारी इंस्टीट्यूट में जितनी भी फैकल्टीज हैं सब सब्जेक्ट की अलग अलग हैं। जैसे मैं संदीप सर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो जितने भी यहाँ पर हैं वो सभी लगभग 10 साल से ऊपर उनका एक्सपीरियंस है। कई स्टूडेंट्स सेलेक्टेड होकर गए, कई सिलेक्शन के कगार पर हैं, तो एक लंबा अनुभव भी है। तो इसको भी ध्यान में रखें और जरूर आप लोग यहाँ पर आएँ और सब चीज़ आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो PDF हो। और ये कंबाइंड बैच है, प्री मेंस इंटरव्यू सभी का इस पर ध्यान रखा गया है। दूर दराज के जो भी लोग हैं वो यहाँ तक आएँ और आसानी से पढ़ें। जहाँ तक मैंने कहा कि मैं संदीप सर यानी कि हिस्ट्री फैकल्टी के रूप में हूँ, तो ये बात भी ध्यान रखें कि हिस्ट्री का वेटेज जहाँ तक प्री में है वो बहुत ज्यादा है और मेंस में भी कम नहीं है। लगभग कहा जाए तो 6-7 क्वेश्चन आपके GS पेपर 1 में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आएंगे। वहीं प्री में आप देखेंगे लगातार 2 सालों से ट्रेंड देखेंगे तो अबव 20 क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, उसके लिए आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के साथ लगना पड़ेगा, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा। कई बार ऐसी हम लोग को लगता है कि हम लोग लिख करके आ गए हैं और हमें लगता है, जैसे कि मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं कि यहां पर जो भी लोग सुन रहे होंगे वो 1857 की क्रांति को शायद ही कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे यहां पर कितने भी लोग आपको सुन रहे हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति एक महान विद्रोह था तो आप कहेंगे हाँ सर ठीक है, महान विद्रोह तो था ही, कितने बड़े क्षेत्र में हुआ, कितने सारे नेता उसमें इन्वॉल्व थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कुंवर सिंह बिहार के, न जाने कितनी एक लंबी श्रृंखला। लेकिन कोई भी विद्रोह को महान ये सब चीजें नहीं बनाता और हम इसी चीज को लिख करके सेटिस्फाई हो जाते हैं और कहते हैं सर देखिए बार बार मेंस दे रहे हैं कॉल नहीं बन पा रही है। आप कहेंगे सर प्री भी नहीं निकलता, नहीं प्री तो निकलेगा ही, लेकिन बात मेंस की भी होनी चाहिए। यदि आप सिर्फ ये कहेंगे कि 1857 की क्रांति एक महान क्रांति है और ये लिख करके आएंगे कि एक बड़े क्षेत्र में हुआ, अंग्रेजों की जमीनें हिला दी गई, तो शायद ये उत्तर नहीं है। यदि मैं कहूं कि मैं महान हूं तो मेरी महानता इसमें नहीं है कि मैं चीजों को अच्छी तरह प्रेजेंट करता हूं और आप समझते हैं ना, ये कोई मेरी महानता का मापदंड हो ही नहीं सकता। मापदंड हमेशा प्रभाव में होता है। मैं आपको पढ़ाया और यदि आप सिलेक्टेड नहीं हुए हैं तो न मैं महान हूं न मेरी संस्था महान है। उसी ढंग से 1857 की क्रांति इसलिए महान थी कि उसके बाद जो परिवर्तन हुए, जो प्रभाव था, उसने उसको महान बनाया। इससे बड़ा प्रभाव और क्या हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके शासन का अंत होता है और ब्रिटिश राज स्थापित हो जाती है। न जाने कितनी परिवर्तन उसके बाद हुई, आपको सब पता है।
जाति आधारित रेजिमेंट बने, शायद इतिहास में पहली बार, है ना। तो प्रभाव किसी भी चीज को महान या कमजोर करता। चलिए इसी बात को यहीं तक रखते हैं। ये क्लास बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको सिलेबस डिस्कस करूँ हिस्ट्री का। अगले क्लास में मिलेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, कई क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए अब आगे वीरेंद्र सर आ रहे हैं और आपको बताएंगे अपना अनुभव, और साथ ही साथ ये हमारे ज्योग्राफी फैकल्टी भी हैं, तो लीजिए इनसे बात, अब इनकी सुनिए। थैंक यू सर एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र कादयान फ्रॉम टीम वेदंगा, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन डील करता हूँ और हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ आपके सामने, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यूपीएससी का एक्सक्लूसिव ऑनलाइन बैच लेकर आ रहे हैं। 5 मई से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इस ऑनलाइन बैच का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम लोग जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो क्वालिटी मिसमैच है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में ऑफलाइन की जो क्वालिटी, जो बच्चा डिफरेंस महसूस करता है, उस डिफरेंस को ख़त्म करेंगे और बच्चा ऑनलाइन क्लासेज में ही ऑफलाइन क्लास का एटमोसफियर, एक्सप्लेनेशन लेवल, इंट्रैक्शन लेवल, वो सारी चीज़ें महसूस करेगा। दूसरी चीज, मैं ज्योग्राफी का सेक्शन डील करता हूँ तो थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, अगर उसको देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं है। ज्योग्राफी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इसका मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेशन है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर हैं मैकेंडर, उन्होंने कहा भी था कि ज्योग्राफी इज द पिवट ऑफ द हिस्ट्री। इसका मतलब है ज्योग्राफी इतिहास का आधार है। और मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहूँगा कि ज्योग्राफी हिस्ट्री का ही आधार नहीं है। अगर आप देखें, ज्योग्राफी हमारी इकोनॉमी का भी आधार है। ज्योग्राफी जो अभी नया जो पैटर्न चल रहा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चंक है डीएस में, उसको भी ज्योग्राफी एक फाउंडेशन देता है। तो ज्योग्राफी मल्टी डायमेंशनल है और इस मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट को तैयार करना अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट अप्रोच चाहिए। और उस अप्रोच के लिए मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, और ना केवल क्लासेज में ही मैं आप लोगों के साथ रहूँगा बल्कि मैं डाउट सेशन में भी आप लोगों के साथ रहूँगा। हमारे यहाँ पर एक सब्जेक्ट की जो मेन क्लास में जो फैकल्टी डील करेगी, वही फैकल्टी आपको डाउट क्लासेज में मिलेगी, ठीक है। और इस जर्नी में मैं आपकी बिल्कुल बिगनिंग से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक कम्प्लीटली डिवोटेड मिलूँगा और कमिटेड मिलूँगा। और मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहूँगा कि अगर आप वेदांगा से जुड़ते हैं, हमारी टीम से आप गाइड होते हैं, तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंस फील करेंगे। बस मैं अपने इस छोटे से कन्वर्सेशन को अब यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा और इनवाइट करूँगा हमारे इकोनॉमी के फैकल्टी हैं आनंद सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद एवरीवन। आज आप लोगों के सामने आते हुए बेहद खुशी हो रही है, कारण बहुत ही साफ है। आपको पता है कि इस समय देश में एक लाइन चल रही है कि सबका साथ सबका विकास। ये पहल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय भारत अमृतकाल के दौर में है। अमृतकाल मतलब 75 वर्ष हमारी आज़ादी के पूरे हो गए, आने वाले जो 25 वर्ष हैं, मतलब जब हम लोग आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे, मतलब सेलिब्रेट करेंगे, तो ये जो 25 वर्ष का पीरियड है ये आपका अमृतकाल है। इसमें वो सब होगा जो अब तक नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट की जो पहल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या, जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, कि ऐसे लोग जो ग्रामीण परिवेश में हैं, गाँव में रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए जॉब कर रहे हैं लेकिन मन में इच्छा है कहीं ना कहीं कि नहीं सिविल सेवक बन सकते हैं,
वक्त नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो ये दोनों समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा इस बैच बहुत ही आसान तरीके से। और ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई, अब उनको भी मौका मिलेगा कि अगर काबिलियत आप रखते हैं तो हम आपके साथ बहुत ही कम फीस में ये कोर्स उपलब्ध रहेगा। और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बराबर ध्यान रखा जाएगा और डाउट सेशन आपका 24/7 रहेगा। सबसे स्पेशल बात क्या है, अगर आप पूछें आपके मन में आएगा कि सर आपको ही क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि हम आपके घर तक नोट्स पहुंचाएंगे, बाकायदा बुकलेट्स की सारी कॉपी आपके घर तक पहुंचेंगी, पीडीएफ हर क्लास का आपको मिलेगा, और जैसे हमारी एक यूनिट कंप्लीट होगी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और उसके बाद आप खुद अंतर देखिए, अंतर स्पष्ट करेंगे। और ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट इनरोल हो जाइए, पहले एक दो क्लासेस आप करके देखेंगे, है ना, उसके बाद आप जो डिफरेंस होगा उसको फील करिए, उसके बाद जुड़िए साथ में, और आपको सफलता मिले यही संस्थान की संतुष्टि होगी। चलिए आगे एक बातें कर लेते हैं। देखिए फीस वगैरह की सारी बातें हो गई, अब आप हमसे कैसे जुड़ेंगे। एक तो यूट्यूब पर चैनल है वेदांगा इंस्टीट्यूट का, और इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन हमारा मिलेगा, वो डाउनलोड करिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे ऐप को डाउनलोड करेगा उसको कम से कम हर सब्जेक्ट की 2 से 3 क्लासेस फ्री मिलेंगी, आप बिंदास होके के पढ़िएगा। और जो एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। मन में डाउट होगा कि सर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मीडियम हिंदी है तो होगा या नहीं होगा, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, और उस तबीयत को बढ़ाने में मेरी पूरी टीम आपके साथ रहे। बात समझ आई, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इस पहल से अमृतकाल के इस दौर में कम हर गांव से, नॉर्थ इंडिया में ऐसे गांव हैं जहां पर प्रतिभा बहुत ज्यादा है, तो हर गांव एक सिविल सेवक बनाने की मुहिम है वेदांगा की, उसको लेकर के हम लोग आपके साथ आए, आपका पूरा साथ चाहिए, तस्वीर बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत। बाकी सुधांशु सर आएंगे और फटाफट अपने कम शब्दों में अपनी बात को बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं लेक्चर। सर प्लीज। थैंक यू सर। से आप लोग मिल चुके हैं और सभी आप देख चुके हैं कि सभी जेन्युइन लोग हैं, और हम आपको एप्लीकेशन पर सभी फैकल्टीज की डेमो प्रोवाइड करेंगे। तो हर एक डेमो अगर आप देखेंगे फिर उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि क्या डिफरेंस है, वाकई में डिफरेंस है या नहीं है। तो टोटल प्री प्लस मेंस इंटरव्यू के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हम तैयारी कराएंगे। हमारा ऐप वेदांगा IAS आप डाउनलोड कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कर सकते हैं। 5 मई 2023 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी है, लिमिटेड फी है, और आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप आज इसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हम स्टडी मटेरियल फ्री में दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 4-5 हजार का मटेरियल की कॉस्ट है हमारा, और वो पहले स्टूडेंट्स को हम फ्री दे रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 100 स्टूडेंट तक। तो तुरंत आप एनरोल कर लेंगे तो आपको इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और पर्सनल मैं आपको, मेरी भी इसमें आपको मेंटरशिप रहेगी CSAT में और आपका इंटरव्यू प्लानिंग में। तो आप आइए, सेलेक्ट होकर आइए, और उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो है सिविल सर्वेंट हो जाएंगे। हमारा पूरा 100% सहयोग रहेगा, 100% हम सारी फैकल्टीज देंगे। आपका 100% का जरूरत है, और आपका जिस दिन 100% आ गया तो आप लोग सिविल सर्वेंट निश्चित तौर पे बन जाएंगे। तो यहीं पर मैं आपको समराइज कर देता हूँ सारी चीजों को, कि फीस एक लिमिटेड फी है, 10,000 फी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का नाम है वेदांगा IAS, और आप पूरी फैकल्टीज के साथ एनरोल कर सकते हैं हमारी, और प्लस आप डेमो वीडियोस हमारी जरूर देखिएगा, और फिर आपसे मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।